मांडू, मांडू को एक रहस्यमय जगह के रूप में भी जाना जाता है। करीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह सुल्तानों ने बसाई थी। इसके नाम का मतलब खुशियों का शहर भी था। इस जगह की सबसे आकर्षक बात यह है कि यहाँ दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। यहाँ मौजूद जहाज़ महल और हिडोला महल इस शहर को और भी खास बनाते हैं। ओमकालेश्वर, ओमकालेश्वर मंदिर आस्था के रूप में जाना जाता है। यहाँ खंडवा जिले में यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शास्त्रों में यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति देश के भले ही सारी तीर्थ यात्रा कर ले, लेकिन जब तक यहाँ आकर तीर्थों का जल नहीं चढ़ाया जाता, तब तक उसके सारे तीर्थों को अधूरा माना जाता है। अमरकंटक पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक हिंदुओं द्वारा बनाया गया बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित धुनी पानी, नर्मदा कुंड और मंदिर, दुर्धरा, कलचुरी काल के मंदिर, कबीर का चबूतरा, सर्वोदय जैन मंदिर इसी जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। पचमढ़ी, यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ के घने जंगल, वाटरफॉल, तालाब इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। यहाँ की गुफाओं को भी बहुत महत्व दिया जाता है, जिसका कारण है यहाँ पर पाए जाने वाले शैल चित्र। ग्वालियर का किला, इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया। इस किले की दीवारों को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता था। यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, जिनमें बौद्ध और जैन मंदिर, गुलजारी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, कर्ण महल, शाहजहां महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर और एक प्राचीन गुरुद्वारा भी मौजूद है।